रोहतास में अवैध शराब, अवैध बालू के बाद अब अवैध लॉटरी का धंधा परवान पर है। दरअसल डेहरी थाने की पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी की बिक्री कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार युवक ने पुलिस की पूछताछ में लॉटरी माफियाओं के इशारे पर प्रतिबंधित लॉटरी बेचने की बात स्वीकार की है। अब पुलिस लॉटरी माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की बात कह रही है। एएसपी संजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक अफताब आलम उर्फ मिंटू है, जो शहर के नील कोठी मोहल्ले का निवासी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक के पास से 624 पीस अवैध लॉटरी बरामद हुई है। बताया कि करंट की 116 पीस ड्रीम रॉयल नामक लॉटरी के अलावे बैक डेट में शेष बचे हुए विभिन्न नामों की 600 पीस से अधिक लॉटरी मिली है। साथ ही गिरफ्तार युवक के पास से 10,590 रुपए नगद राशि के अलावा एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवक ने बयान में खुलासा किया है कि संजय पासवान व झुनझुनवाला के इशारे पर वह लॉटरी बेचता था। एएसपी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आपन बिहार।